जन्मोत्सव के मौके पर शहर के प्राचीन हनुमान टेकरी मंदिर पर लगा भव्य मेला। हनुमान जन्मोत्सव में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बड़ा विहंगम मेला लगा है जो कि हनुमान टेकरी में बनाया गया है। हनुमान टेकरी पर रात 12 बजे से श्रद्धालु पहुंचना प्रारंभ हो गए थे जो कि सुबह होने वाली आरती में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंचे थे। सुबह 4 बजे आरती के बाद मेले को प्रारंभ किया गया। बता दें कि ये मेला 19 और 20 अप्रैल को 2 दिन का रहेगा। करीबन 350 अधिकारी कर्मचारी लगे हैं और हमारे यहाँ ये व्यवस्था रात को 2 बजे से ही लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पे आके निरीक्षण कर रहे हैं और मैं और हमारा पूरा स्टाफ पूरी व्यवस्था में व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं और श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी गुंडे बदमाश या लुच्चे लफंगे उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन सर कितने श्रद्धालु सुबह से रात तक अभी आने की संभावना हो सकती है? ये अभी संख्या बताना मुश्किल है लेकिन बड़ी भीड़ आएगी, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था लगाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है सर 3 से 4 लाख श्रद्धालु पिछली बार आए थे तो स्वाभाविक है कि इस बार भी संभावना है? वो तो स्वाभाविक है, और ज़्यादा आ सकते हैं। भीड़ आ रही है, अभी भी दर्शन कर रहे हैं दर्शन श्रद्धालु, तो भीड़ 4 से 5 तक आ सकती है। सरकार का जो मेला होता है यहाँ पर भीड़ जो है वो बड़ी मात्रा में आती है, काफ़ी श्रद्धालु जो है वो गुना शहर से और आसपास के शहरों से बिहार से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और ये सुबह 2 बजे से ही व्यवस्था लगी हुई है, सुबह से 2 बजे से जो है वो लोगों का आना शुरू हो गया था और ये पूरे दिन भर चलेगी। उसके लिए जो है वो शहर में जितनी भी गलियाँ है जो मेन अप्रोच मार्ग है उसको डाइवर्ट करते हुए बाईपास की तरफ से निकाला गया है, वहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था करी गई है। पूरा जो है लगभग 300 के आसपास जो है वो पुलिस बल तैनात है पूरा मंदिर से लेके डाइवर्जन की व्यवस्था तक, और साथ ही साथ जो लोकल थाने का फोर्स है वो भी अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है पूरे शहर में। यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको अपना मार्ग दिखाने के लिए व्यवस्था बनाएंगे। कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं और कितनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर? ये लगभग बताया जाता है कि 2.5 से 3 लाख के आसपास जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है जो सुबह से लेके रात के 12-2 बजे तक जो है वो लोग आते जाते रहते हैं, तो इसके लिए व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं। सारी पुलिस व्यवस्था जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से हर जगह पे हर पॉइंट पे डाइवर्जन पॉइंट हो, स्टॉपर्स हो, लोगों को समझाने के लिए कि भाई यहाँ से आपको इधर से जाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए व्यवस्था लगाई गई है। मेला में कहीं पे चोरी चकारी ना हो, कहीं पे किसी के साथ अनहोनी घटना ना घटे, इसलिए भी अलग से फोर्स लगाया गया है।